यह मेरे फादर के इकलौते बेटे की वाइफ के ग्रैंडफादर के बेटे का बेटा है, तो यह मेरा कौन लगा? दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके चैनल डियर सर में। आज के टॉपिक का नाम है ब्लड रिलेशन का पार्ट टू। पहला पार्ट तो आप कर चुके हैं, बहुत अच्छी तरीके से किया था। आज के पार्ट में जो क्वेश्चंस बनेंगे वो बनेंगे, किसी तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए आपसे रिश्तेदारी पूछी जाएगी, किसी पर्सन की तरफ इशारा करते हुए आपसे रिश्तेदारी पूछी जाएगी, और आपको सही आंसर बताना पड़ेगा वरना रिश्तेदार बुरा मान जाएंगे। तो ये टाइप हम करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, लेकिन उससे पहले हम सीखेंगे इसका कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप भी जानते हैं कि कॉन्सेप्ट इज पावर। तो यहां पर आइए देखिए यहां पर ना इस टाइप में दो टाइप के सवाल बनते हैं। पहला सवाल आपका यह बनता है कि किसी तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कुछ पूछा जाएगा, कि कोई तस्वीर होगी और उसकी तरफ इशारा करते हुए कोई आपसे कुछ पूछेगा कि ये मेरे चचा के मामा के भांजे के भतीजे का लड़का है तो हमारा कौन लगा, ये होगा। या फिर तस्वीर नहीं होगी तो कोई पर्सन होगा, कि किसी पर्सन को आपसे इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, रिश्तेदारी बताई जाएगी और आपको फिर उसका आंसर बताना पड़ेगा। तो दो टाइप बनती हैं इसमें, किसी तस्वीर की तरह इशारा होगा या किसी पर्सन की तरह इशारा होगा। इनको करने का तरीका सेम है, ठीक है। तो इसको दोनों को हम आज ही कवर कर रहे हैं सबको। अच्छा, अब इसकी स्टार्टिंग कैसे करें, प्रॉब्लम यह आती है। तो देखिए पॉइंट नंबर वन लिखिए, अब इनकी स्टार्टिंग में ऐसे करनी है आपको कि इन सवालों में ना कोई कुछ कहेगा, हाँ कोई कुछ कहेगा। जैसे कि मान लीजिए कि तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रवि ने राजन से कहा, तो रवि ने राजन से कहा, रवि कह रहा है ना, तो जो भी ऐसे सवालों में कुछ कहे बस आपको वहीं से सवाल की स्टार्टिंग करनी है। तो रवि मान लीजिए कुछ कह रहा है ना, तो हम रवि के नाम से ही सवाल की स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। अब रवि कुछ कहेगा, रवि कहेगा मान लीजिए कि यह मेरे भाई की लड़की है, मेरे भाई की लड़की है, तो हिंदी में क्या आपको हर सवाल में देखने को मिलेगा मेरा वर्ड, और इंग्लिश में मिलेगा आपको माई। ये माई और मेरा, इनके जस्ट बाद जो रिश्ता आएगा फिर आपको वो रिश्ता यहाँ प्लेस करना है। तो रवि ने कहा कि यह मेरे भाई, मेरे भाई की लड़की, मेरा भाई तो रवि का भाई, वो मेरा वर्ड तो रवि के लिए यूज हुआ है ना, तो रवि का भाई बनाएंगे फिर हम। इस तरह से हम रिश्तों को आगे बढ़ाएंगे। तो आपको ध्यान रखनी दो बातें, पहला जो कुछ कहेगा उसको स्टार्ट करेंगे सवाल से, ठीक है, सवाल की स्टार्टिंग उसके नाम से होगी, फिर माई वर्ड आएगा या मेरा आएगा, उसके जस्ट बाद जो रिश्ता है फिर हम वो रिश्ता प्लेस करेंगे उसके साथ ही। तो यहाँ से ऐसे सवाल बनेंगे। पूरा सवाल कैसे करेंगे वो तो सीखेंगे ना अभी सवालों में। तो ये स्टार्टिंग है हमारी। अच्छा, समधी आए तो क्या करेंगे, समधी भी आएंगे, समधी के भी रिश्तेदार आएंगे, तो दूर दराज की रिश्तेदारी भी कवर करेंगे, बहुत ध्यान से देखना। अच्छा, एक चीज़ और रहेगा कि आपको ना बहुत ही यूनिक वे में होमवर्क दिया है, वीडियो के लास्ट में होमवर्क दिया है बहुत ही यूनिक वे में, वो जरूर सॉल्व करके कमेंट करना। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। आइए दोस्तों पहले क्वेश्चन से ना सवालों को करना सीखते हैं, फिर करेंगे बड़े बड़े सवाल। तो पहला सवाल यहां पर है कि एक लड़की का परिचय कराते हुए विपिन ने कहा, विपिन ने कुछ कहा है, ध्यान रखना। विपिन कह रहे हैं कि इनकी माँ मेरी सास की इकलौती बेटी है। विपिन का उस लड़की से संबंध बताना है हमें, तो पहली स्टेप फॉलो करनी है कि जो कहे उसी से सवाल की स्टार्टिंग करेंगे। तो विपिन ने यहां पर कुछ कहा है ना दोस्तों, तो हम विपिन से ही अपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे। ये हमने यहां पर लिख लिया विपिन भैया का नाम, ठीक है। स्टेप टू क्या है हमारी, कि फिर हम ढूंढेंगे मेरा यानी माई, इस टाइप के जो वर्ड्स होंगे सवाल में। तो यहां पर है कि मेरी, इनकी माँ मेरी, ये जो मेरी यूज हुआ है विपिन ने अपने लिए किया है कि मेरी सास की इकलौती बेटी है, तो हम यहीं से सवाल को आगे बढ़ाएंगे कि विपिन की सास की इकलौती बेटी कौन है। तो देखिए विपिन की सास को कैसे दिखाएंगे सीख लो। विपिन की सास कौन होंगी, जो विपिन की वाइफ होंगी, और वाइफ की जो मम्मी होंगी वही तो सास होंगी ना, तो विपिन की वाइफ की मम्मी विपिन की सास होंगी, और विपिन की वाइफ की मम्मी की जो इकलौती बेटी, मतलब विपिन के सास की इकलौती बेटी, विपिन की सास ये रही उनकी इकलौती बेटी, तो वो वाइफ खुद है, मतलब विपिन की वाइफ की बात हो रही है। अब देखिए अब क्या करना है, जो माई से पहले वाले रिश्ते हैं ना अब उनको उठाना है। तो देखिए इनकी माँ मतलब उस लड़की की माँ है ये, इनकी माँ, तो इस लड़की की ये जो गर्ल थी उनकी माँ है ये, विपिन की सास की इकलौती जो बेटी है वो उस लड़की की माँ है, यही कहा है विपिन ने। पूरा स्ट्रक्चर हमारा आ चुका है। अब हमसे क्या पूछा है कि विपिन का उस लड़की से संबंध बताना है, तो ये लड़की ये है, विपिन का क्या रिश्ता होगा। देखिए इस लड़की की जो मम्मी है वो विपिन की वाइफ है, तो इसका मतलब ये जो लड़की हुई ये विपिन की डॉटर हुई, बेटी हुई ना, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं,
प्लस लगा हुआ है और ये इनकी बेटी हुई, तो विपिन की बेटी हुई। विपिन का क्या रिश्ता हुआ? विपिन उस लड़की के फादर हुए। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब होगा कि फादर की विपिन जो है वो उस लड़की के फादर हैं। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। आइए अगला सवाल करते हैं। अच्छा हाँ, अगर आप ये नहीं समझ पा रहे कि यहाँ पर हमने प्लस क्यों लगाया है, ये ऊपर क्यों गया, ये नीचे क्यों आया, यही सब हमने सिखाया है पहले पार्ट में। नहीं देखा, देख कर फिर आ जाओ यहाँ पर, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अब सीखते हैं कि समधि आ जाए तो क्या करेंगे। आइए सीखते हैं इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सवाल है यहाँ पर कि तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, राम ने कुछ कहा है, राम कह रहे हैं कि वह मेरे भाई के बेटे की पत्नी की बहन की माँ है। बहुत लंबा रिश्ता बताया है राम ने उनका। तस्वीर वाली औरत का राम के भाई से क्या संबंध है? राम से नहीं पूछा, राम के भाई से संबंध पूछा है। ध्यान दीजिए अब कैसे करेंगे। स्टेप नंबर वन हमें पता है कि जो कहे उसके नाम से क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। तो राम ने कुछ कहा है, राम से स्टार्टिंग कीजिए। तो हम स्टार्टिंग करेंगे यहां पर राम से कि राम ने कुछ कहा है, ये आ गए राम, ठीक है। अब राम ने क्या कहा है? सेकंड स्टेप क्या है हमारी? मेरे या मेरी माँ, ये ढूंढेंगे। इसके बाद वाले रिश्तों को हम सॉल्व करेंगे। तो यहां पर है मेरे, ये रहा वह मेरे। अब यही से सवाल पकड़ लो बस, मेरे भाई। ये जो मेरे यूज हुआ है ये राम के लिए हुआ है, राम का भाई बनाएंगे हम। तो देखिए राम का भाई, ये आ गए राम के ब्रदर, ठीक है, या अगर राम के ब्रोदर। मेरे भाई के बेटे, तो भाई का बेटा बना दो नीचे, यहाँ पर आ जाएंगे, ये आ गए भाई के बेटे सन, ठीक है। बेटे की पत्नी, तो बेटे की पत्नी बना दो, बेटे की पत्नी के लिए मैं प्लस लगाऊंगा और ये आ गई बेटे की वाइफ, ठीक है। पत्नी की बहन, तो पत्नी की बहन बना दो, ये आ गई यहाँ पर उनकी वाइफ की सिस्टर। और बहन की माँ है, तो बहन की माँ जो होंगी, माँ ऊपर जाएंगी, ये आ गए उनकी बहन की मदर। और ये कौन है? वह मेरे, मतलब ये जो है ये वो लेडी है जिनको तस्वीर में दिखाया गया है। तो ये वो लेडी है, वो औरत है। देखिए पूरा स्ट्रक्चर बन चुका है। देखिए ध्यान दीजिए दोबारा से कि राम ने कहा कि वह मेरे भाई के बेटे की पत्नी की बहन की माँ है। वह मेरे भाई के बेटे की पत्नी की बहन की माँ है। सब कुछ क्लियर है हमारे पास। अब देखिए क्या पूछा है हमसे कि तस्वीर वाली औरत, मतलब इन लेडी का राम के भाई से क्या संबंध है? तो तस्वीर वाली लेडी ये हो गई, राम के भाई ये हो गए। इन दोनों का आपस में संबंध बताना है। देखिए ध्यान दीजिए, इनकी राम के भाई का जो बेटा है और उनकी वाइफ की सिस्टर की माँ वो लेडी है। मतलब जब सिस्टर की माँ वो लेडी है तो उनकी वाइफ की भी माँ होंगी वो लेडी, है ना। इसका मतलब उनके बेटे की ये सास हैं, क्योंकि उनके वाइफ की माँ है ना। अब देखिए ये दोनों आपस में जो होंगे फिर ये समधन समधि होंगे, क्योंकि इन दोनों के लड़का और लड़की, बेटा और बेटी की आपस में शादी हुई है ना। इसका मतलब राम के भाई और वो लेडी आपस में समधि हैं, आपस में उनके समधि हैं वो। तो समधि के लिए यहाँ पर ऑप्शन क्या है? सिस्टर है, डॉटर इन लॉ है, डॉटर इन लॉ दीजिए, क्या लगाएंगे हम समधि के लिए? तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? नन ऑफ दीज आंसर पे क्लिक करेंगे, ये हमारा सही जवाब होगा, क्योंकि इनमें से तो समधि कोई सा भी नहीं है ना। तो समधि के लिए हम क्या करेंगे? फिर यहाँ पे नन ऑफ दीज कर देंगे, इन ऑप्शन में समधि का ऑप्शन नहीं दिया गया है हमें। तो ऐसे सॉल्व करेंगे हम। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ मजेदार सवाल ले। सर आपने ये तो बताया नहीं कि समधि को क्या बोलते हैं। सवाल तो पूरा कर दिया लेकिन समधि को या बोलते क्या है? तो देखिए अगर बेटे की तरफ से रिश्ता है ना आपके, मतलब बेटे के सास ससुर हैं, तो आएगा कि सन्स फादर इन लॉ, सन्स मदर इन लॉ। अगर बेटी के सास ससुर हैं तो बेटी की तरफ से रिश्ता है, तो आएगा डॉटर्स फादर इन लॉ, डॉटर्स मदर इन लॉ, ठीक है, ये ध्यान रखना। आइए अगला सवाल करते हैं इसी की तरह है। तो सवाल है यहां पर कि एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, उसके इकलौते भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है। उस औरत का उस आदमी से क्या संबंध है? आप शायद थोड़ा बहुत आप सीख चुके हैं। आइए अब स्टार्ट कीजिए मेरे साथ। क्या करूं सबसे पहले? सबसे पहले मैं क्या करूं? जिसने बात शुरू की है उसका नाम लिखूं। तो यहां पर बात शुरू की है एक आदमी ने, ठीक है, कोई भी आदमी है, एक्स वाई जेड, उसने बात शुरू की। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं मैन, ठीक है, एक आदमी है, एक मैन है, उन्होंने बात शुरू की है। उन्होंने क्या कहा कि अब हमें क्या करना है? मेरे या मेरी ढूंढना है। तो यहाँ पर आएगा इकलौते भाई बेटा मेरी, ये मिल गया मुझे मेरी, ये मेरी जो यूज़ हुआ है उस आदमी ने अपने लिए क्या है। तो देखिए मेरी पत्नी का भाई है, तो मेरी पत्नी का भाई बना लो, मेरी नहीं उस आदमी की पत्नी का, ठीक है। तो आदमी की, उस मैन की वाइफ का भाई, ये आ गया भाई, ठीक है, ब्रदर, ब्रो लिखा है मैंने खाली। तो देखिए मेरी पत्नी का भाई है जी, कौन है? उसके इकलौते भाई का बेटा, मतलब उस लेडी का इकलौता भाई है, उसका बेटा है ये। तो एक लेडी होंगी यहाँ पर, ये मैंने लेडी लिखा, ठीक है, लेडी का एक भाई होगा यहाँ पर,
ये जो भाई है ये लेडी का भाई है और उसका बेटा है ये उनकी पत्नी का भाई। देखिए पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। देखिए उसके इकलौते भाई का बेटा, मतलब उस लेडी के, उस औरत के इकलौते भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है ना। बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो गया। अब हमसे रिश्ता क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि उस औरत का उस आदमी से क्या संबंध है, उस औरत का इस आदमी से हमें रिश्ता बताना है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब इस उसके भाई का बेटा है और उसकी बहन जो है वो उस आदमी की वाइफ है। इसका मतलब ये जो यहाँ पर उसका भाई है ना लेडी का, ये उसकी वाइफ का भी फादर होगा, क्योंकि जब इसका फादर है इसका ही फादर होगा, क्योंकि दोनों आपस में भाई बहन है। इज दैट क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ये समझिए, फिर ये आदमी कौन हुआ, ये उस आदमी के ससुर जी हुए है ना। वाइफ के फादर कौन हुए, ससुर जी हुए, और ये औरत कौन है, उस आदमी के ससुर जी की बहन हुई, मतलब उस आदमी के ससुर की बहन है वो लेडी। इंग्लिश में बात करेंगे तो आएगा यहाँ पर ऑप्शन में सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ, ठीक है, फादर इन लॉ की बहन, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा कि वो उस आदमी के ससुर की बहन है। देखिए कितना लंबा रिश्ता था, ऑप्शन भी लंबा था। तो इस तरीके से हम करेंगे, हमारी ट्रिक वही फॉलो होगी जो हमने आपको बताई है। मेरे दोस्तों टेलीग्राम पे आपके लिए ग्रुप बनाया है, जुड़ जाना। आपका फायदा यह है कि आपको वहां पीडीएफ मिल सकती है और फेसबुक पेज भी लाइक कर देना, क्या जा रहा है आपका। आइए सवाल देखिए, एक लड़की का चित्र दिखाते हुए रोहित ने कहा, रोहित कुछ कह रहे हैं, रोहित कह रहे हैं कि इनकी कोई बहन या बेटी नहीं है, मतलब उस लेडी की जो पिक्चर में लेडी है उनकी कोई बहन बेटी नहीं है, लेकिन इनकी माँ मेरी माँ की एक लौती बेटी है। अब आप सवाल को स्टार्ट करना सीख चुके हैं, जल्दी से कर देते हैं। यहाँ पर रोहित ने बात शुरू करी है ना, तो रोहित का नाम हम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, मेरी मेरा ढूंढेंगे। तो यहाँ पर इनकी कोई बहन या बेटी नहीं है लेकिन इनकी माँ मेरी, ये हमें मिल गया मेरी, तो मेरी के बाद वाले रिश्तों को अब हम आगे बढ़ाएंगे। तो मेरी यूज़ हुआ है रोहित के लिए, मतलब रोहित की माँ की एक लौती बेटी। तो इतना स्ट्रक्चर आप बनाइए, रोहित की माँ माने मदर, ठीक है, मदर की एक लौती बेटी। अच्छा एक बात ये समझो आप कि रोहित की माँ की जो बेटी होगी वो तो रोहित की बहन होगी है ना, तो रोहित की माँ की एक लौती बेटी जो होगी ना वो रोहित की बहन होगी। तो ये आ गया हमारा रोहित की सिस्टर। यहाँ पे हम रुक गए। अब मेरी से पहले वाले रिलेशन देखिए, तो पहले क्या लिखा हुआ है, इनकी माँ, ये जो इनकी यूज़ हुआ है ये इस लड़की के लिए हुआ है, मतलब लड़की की माँ, मतलब ये जो है ना सिस्टर ये लड़की की माँ है, मतलब वो लड़की जो है ना पिक्चर में वो इनकी बेटी है। ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर आ गया। आइए इसको एक बार रीवेरीफाई करते हैं। तो देखिए रोहित क्या कह रहे हैं कि इनकी माँ, मतलब उस लड़की की जो माँ है ये रही, वो मेरी माँ की एक लौती बेटी है, मेरी माँ की एक लौती बेटी है ना, सब कुछ प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। आइए अब सवाल का आंसर ढूंढते हैं कि रोहित और उस लड़की के बीच क्या संबंध है। तो ये है रोहित, ये है वो लड़की, तो लड़की कौन है, रोहित की बहन की बेटी है, बहन की बेटी, बहन की बेटी होती है भांजी। तो कभी भी भांजी या भतीजी आए तो उसके लिए आप नीस वाला वर्ड का यूज करेंगे, इंग्लिश में उनको नीस कहते हैं। तो इसका ऑप्शन सी नीस सही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, फिर आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन सीखते हैं, फिर आप अपने घर में अपने घर, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे अपने घर बैठकर। तो यहाँ पर है कि तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने प्रमोद को बताया। तो तस्वीर में कोई महिला है उसकी तरफ इशारा करते हुए एक महिला प्रमोद को कुछ बता रही है, वो कह रही है कि मैं इस औरत की इकलौती बेटी हूँ और इनका बेटा तुम्हारा मामू है, ठीक है। उस महिला का प्रमोद के पिता से क्या संबंध है। अच्छा इसको मैं अगर देखूं तो ये तो माइंड में ही सॉल्व हो जाएगा, हमें तो मार्कर की जरूरत नहीं है। कैसे होगा देखिए, हम यहाँ पर समझिए कि वो महिला कह रही है कि मैं इस औरत की एक लौती बेटी हूँ, मतलब वो महिला उस औरत की एक लौती बेटी, अब एक लौती बेटी है तो वो महिला अपने बारे में बता रही है, मैं उस महिला की एक लौती बेटी हूँ, ठीक है, और इनका बेटा तुम्हारा मामू है, और उनका जो बेटा है ना वो तुम्हारा मामू है। मामू कौन होता है, मामू कौन होता है, मामू प्रमोद से बात कर रही है ना, वो प्रमोद का मामू कौन होगा, प्रमोद का मामू होगा प्रमोद की मम्मी का भाई। तो इसका मतलब प्रमोद जो है वो उस महिला का बेटा है, ठीक है, प्रमोद नीचे आएगा बेटा है और उसकी मम्मी का भाई जो हो गया वो उसका मामू हो गया। तो उस महिला का प्रमोद के पिता से क्या संबंध है। तो ये वो महिला, उसका बेटा है प्रमोद, प्रमोद का पिता कौन होगा भाई, प्रमोद का पिता उस महिला का हस्बैंड होगा, और वो महिला कौन होगी, वो प्रमोद के पिता की वाइफ होगी। तो यहाँ से हमारा आंसर इस तरह से निकल के आ जाएगा,
माइंड में ही सॉल्व किया है। बिलीव ना आए तो आप इसका स्ट्रक्चर बना लेना, इसका आंसर सही होगा फिर ऑप्शन बी वाइफ के, वो महिला जो है वो प्रमोद की जो फादर है उनकी वो वाइफ होंगी। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आप इसका स्ट्रक्चर बना लेना चाहो तो आंसर मैंने आपको बता दिया है। और आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन क्या है बताऊं मैं आपको, जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको क्विज दिया था ना, एक क्वेश्चन दिया था आपको, वही आपका होमवर्क है। आप वीडियो की स्टार्टिंग में जाइए और देखिए क्या क्वेश्चन था, उसको सॉल्व करके मुझे कमेंट करके आंसर बताइए। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपना प्यार दिखाइए, अपना सपोर्ट दिखाइए, अपनी प्रेजेंटेशन दिखाइए कि आप प्रेजेंट हैं, आपने वीडियो पूरी देखी है, कमेंट करके बताइए। और अगर आप नए साथी हैं, हमारे से नहीं जुड़े हुए हैं, हमारी वीडियोज आपको पसंद आती हैं और वीडियोज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसको क्लिक करेंगे वो ग्रे कलर का हो जाएगा, उसके बराबर में एक बेल आइकन है घंटी, वो जरूर दबा दें। वो दबाएंगे तो आपको आने वाली वीडियोस भी मिलेंगी। सब कुछ सीरीज में चल रहा है, यहाँ पर रीजनिंग जा रही है आपकी सीरीज वाइज, पहला पार्ट है, दूसरा बुलेट रिलेशन है, इसके बाद कोडिंग वाला आएगा, फिर और आगे नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो एंड तक मेरे साथ बने रहें, सारी वीडियोस देखते रहें, हमसे जुड़े रहें और अपना प्यार हमें दिखाते रहें। मैं बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ।